कौन सी बात? तुमने जब कहा इसको कमरे में लॉक करने का, इसको फंसाने का प्लान मैंने बनाया है, तो जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था और इसी तरह तुम्हारा नाम पता चला था। ये मिनी ड्रेस तुमने दानिश के लिए पहना है क्या? ऐसे इंप्रेस करोगी उसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस तानियों वाले कपड़े में डेफने को कोई भी नहीं देखना चाहता। मैं खुद को नहीं देखना चाहती, और अगर दानिश मेरी तरफ देखेगा नहीं तो मुझे जॉब पर कैसे रखेगा? और यहाँ किस्मत देखो कि तुम मिल गए हो, और तुमने यहाँ मेरे साथ एक अलग इंटरव्यू शुरू कर दिया है। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितने लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा उस फर्म में। मुझे जाना है अभी। डेफने, थोड़ा सांस ले लो। क्या मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था? अभी किसी ने कहा था, क्योंकि उस तानियों वाले ड्रेस में डेफने को कोई देखेगा भी नहीं। हर चीज याद है ना तुम्हें? हाँ, लेकिन तुम बोलती ही इतना, एक एक लफ्ज याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहली बार ही तुमसे मिलके फैसला कर लिया था। मैं वो बाथरूम। आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। तुमसे कहीं ज्यादा सिद्धि हूं मैं याले नाराज। ये कमरा और वो बेड सिर्फ मेरा है। ये सिर्फ मेरा बेड है। कहां से ये तुम्हारा बेड हो गया? जब ये कमरा मेरा है तो इस कमरे की हर एक चीज भी मेरी हुई ना याले नाराज। क्या वाकई एक बेड पर हम दोनों साथ में मिलकर भी तो सो सकते हैं ना? अपनी फजूल बातें बंद करो और जाओ। क्या बात है, क्या हुआ? वो भी दिन थे जब हम दोनों साथ साथ थे। मैं बातें करते करते सो जाती थी, चलो आज तुम कोई बात करो। हाँ, मैं क्या बात करूं? जैसे कि ब्रेकअप के बाद तुम्हारे दिन और रात कैसे गुजरते हैं? अब ये बात बताऊं कि आधी रात तो छत को घूरते हुए ही गुजर जाती है मेरे। मुझसे मिलने पर पछतावा है तुम्हें? नहीं,
लेकिन मैं ये सब भुला देना चाहता हूँ सच में।